हेलो दोस्तों, और पहले तो बहुत बहुत सॉरी क्योंकि बहुत दिनों बाद एक वीडियो आ रही है। लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले हैं, जैसे रेलवे, यूजीसी, नेट और दूसरे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से। और ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में आज हम आशयम के बारे में कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जितनी भी आजकल जितना भी इंटरनेशनल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सारा इसके इर्द गिर्द चलता जा रहा है, जो कि आज हमें इसको समझना चाहिए। और जो यही समझाने की कोशिश मैं आज की वीडियो में करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें, आपने सुना होगा आशियान के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में और यूएसए की जितने भी स्ट्रेटेजी है, जितने भी हेगेमनी है, उन सबको किस तरह से इंटरेक्ट करना है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज सबसे पहले हम केवल आशियान पे फोकस करेंगे क्योंकि आशियान आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो दूसरी कंट्रीज हो जो बड़ी तेजी से इमर्जिस हो रही है। ठीक है, इन्हीं कंट्री को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए आशियान एक ऐसा वे है जो कि हमें उसके साथ जुड़ना ही जुड़ना पड़ेगा। और आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, वो भी चाहते हैं कि आशियान के साथ हम कहीं ना कहीं जुड़े, इंटरेक्ट हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, हमारी कल्चर के लिए, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि इसमें एक ऐसे देश आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश आते हैं जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक लुक देखते हैं आशियान की तरफ। आशियान का मतलब क्या होता है? आशियान अपने आप में एक बहुत छोटी सी एक संगठन है जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशियन, एन फॉर नेशंस। मीन्स ये जो सारी कंट्रीज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आशियान को इस्टेब्लिश किया गया था इसका रीजन क्या था और इसको क्यों किया गया था और इसके बनाने के मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं कि किस कंट्री ने इसको बनाया, ठीक है, और ये क्यों बनाया। तो सबसे पहले इस पे आते हैं कि ये सबसे पहले जो पांच देशों के द्वारा बनाया गया था, जो कि फॉर्म किया गया था 8 अगस्त 1967 में, ये वो तारीख है जिसको आशियान को बनाया गया था और इसके बनाने के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी कंट्री इस आशियान में शामिल थी जो इन्होंने इसके फाउंडर बोले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया, ठीक है, दूसरा बात करते हैं मलेशिया, तीसरा सिंगापुर, चौथा थाईलैंड और पांचवा फिलीपींस। ये वो पांच कंट्रीज है जो आशियान को फॉर्म किया गया था। और फॉर्म करने का जैसे मैंने आपको बताया 8 अगस्त 1967, ठीक है, 1967 ही क्यों चुना हमने, क्योंकि इन देशों को पता था कि ये देश हाल ही में, मतलब ये जो थे वो 90 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आजाद हुए थे और इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और कल्चरल पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इनको अपना विकास करना था, क्योंकि ये सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के देश हैं, ठीक है, और इनको इस तरह से अपना आजाद करना है जिससे अपना देश को ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो और इसका सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया एक कंट्रीज है, ठीक है, इसकी कैपिटल जकार्ता है और इसी को यहाँ पर हेडक्वार्टर चुना गया है आशियान के लिए। लेकिन वास्तव में आशियान को जो इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले वो थाईलैंड में किया गया था। थाईलैंड से आप पहले से मतलब आप जानते हो थाईलैंड के बारे में, ठीक है, और इससे उसकी फर्स्ट सम्मिट की गई थी, मतलब पहला जो सम्मेलन किया गया था वो बाली में गया था। बाली भी एक इंडोनेशिया का पार्ट है जो एक शहर बोला जाता है और ये फैब 1976 में किया गया था। अच्छा, बाद में जब ये बनाया गया था आशियान तो केवल इसमें पांच देश शामिल थे, ठीक है, जब ये पांच देश शामिल किए गए थे तो इसका कारण क्या था कि ऑब्जेक्टिव कुछ चुने गए थे कि हमें इसमें प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है। मतलब जितने भी आशियान के देश हैं, जो पांच देश मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, मीन्स इन देशों के बीच में इनको किस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप से आपस में जुड़ना है जिससे वो आपस में अपना विकास कर सके और रीजनल स्टेबिलिटी ला सके। रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो भी अंदरूनी इशू है, जो भी इनके इनर इश्यूज होते हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी करने के लिए, वो चीजें हमें दूर करना है इस आशियान के थ्रू। ठीक है, इसी के मद्देनजर देखते हुए कुछ सालों बाद इसकी जो संख्या थी पांच से बढ़कर 10 हो गई और बाद में जो पांच देश आपस में जुड़ गए वो पांच देश है जैसे बुर्नोई, कंबोडिया, लेओस, वियतनाम और म्यांमार। ये वो पांच कंट्री है जो आशियान में बाद में शामिल हुई क्योंकि इनको भी पता चला कि आशियान की कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि आशियान ने अपने शॉर्ट टर्म में ही 1967 से लेके अभी तक स्टिल ये अपने लिए बहुत ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जो कि
आज के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है इन देशों के लिए। इसलिए भारत और बाकी जो देश है वो भी चाहते हैं कि आसियान के साथ जुड़े और इनके साथ अपनी इकोनॉमिक और रीजनल स्टेबिलिटी के साथ साथ ये अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बना के रखे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिना इसके हमें समझना बहुत दिक्कत होता है कि इसलिए आसियान बहुत जरूरी है हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को दूर करेंगे।